Very good morning, students. How are you? Let's start our English grammar class. Okay. Students, in previous video, we have completed chapter 3 and their exercises. Okay. Now I am going to start chapter 4, pronoun. और आज हम chapter 4 पढ़ेंगे. Pronoun. Pronouns means सर्वनाम. Pronoun means क्या होता है? सर्वनाम. और pronoun is a word which takes the place of a noun. प्रनाउन एक वह शब्द है, वह वर्ड है जो नाउन की जगह लेता है ना, मतलब नाउन की जगह पे यूज होते हैं, उसे बोलते हैं प्रनाउन. देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रनाउन, और प्रनाउन के बहुत प्रकार हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स हैं उसके. तो फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रनाउन. फर्स्ट वन क्या है? पर्सनल प्रनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम. ओके, लेट्स सी. पर्सनल प्रनाउन आर द वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स. पर्सनल प्रोनाउन वह वर्ड है जो किसी व्यक्ति, जानवर या जगह की जगह पे यूज होते हैं, मतलब पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स के प्लेस पे वो यूज होते हैं, उसे बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन. देर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं? टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन आर यूज एट द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. पर्सनल प्रोनाउन कुछ होता है जहाँ पे वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है. कहीं कहीं पर्सनल प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, इसकी तरह एज अ सब्जेक्ट. और कहीं पे पर्सनल प्रोनाउन वर्ब के, कर्ता के, क्रिया के ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है. मतलब पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट की तरह कहीं यूज होता है, और पर्सनल प्रोनाउन कहीं ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है. वर्ब की जो क्रिया होती है वहाँ पे सब्जेक्ट को भी दिखाता है, ओके, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को भी दिखाता है. पर्सनल प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट इसका क्या मतलब है. पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह क्या होता है? अब प्रोनाउन डिनोटिंग पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स परफॉर्मिंग द एक्शन इन द सेंटेंस इज यूज एज ए सब्जेक्ट. प्रोनाउन जो व्यक्ति को, जानवरों को, थिंग्स को दिखाता है, उसके काम को दिखाता है सेंटेंस में, इज यूज एज अ सब्जेक्ट. वो सब्जेक्ट होता है, मतलब ये बताता है कि कोई भी काम कौन कर रहा है ना, कौन है वो, वही पर्सन के बारे में, नेम के बारे में बताता है, तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. जैसे कि हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सेंटेंस के सबसे कहाँ होगा? बिगनिंग में, सबसे आरंभ में, सबसे शुरू में ही जो वर्ड होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा, है ना. यहाँ पे जैसे ये है ना, ये तो ये हमारा सब्जेक्ट है. ओके, फॉर एग्जांपल, ताहिर हैज़ गॉन टू द शॉप. ताहिर जो है वो दुकान चला गया, दुकान जा चुका है, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज हुआ है? दुकान चला गया. कौन चला गया? ताहिर चला गया. तो ये ताहिर हमारा क्या है? सब्जेक्ट हो गया. इसमें जो काम हो रहा है जाने का, इसमें जो हमारा वर्ब है वो कौन कर रहा है? ताहिर कर रहा है. तो ताहिर क्या हो गया? सब्जेक्ट है. और क्या है? नेक्स्ट वन इज ही हैज बॉट एन एप्पल. वह क्या खरीदा? वह एक एप्पल खरीद चुका ना. तो यहाँ पर जो खरीदना है ये हमारा वर्ब है, और इसमें सब्जेक्ट क्या है? कौन खरीदा? ही, वह. तो ही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. हमेशा सब्जेक्ट कहाँ आता है? सेंटेंस के बिगनिंग में. इन द अबव सेंटेंस द प्रोनाउन ही shows that Tahir did in the shop. What Tahir did in the shop? Example, he bought an apple. ये जो sentence ऊपर दिया हुआ है उसमें he क्या दिखा रहा है? He ये दिखा रहा है कि Tahir ने shop में क्या किया. Shop से क्या किया? वो apple खरीदा. He bought an apple. तो ये हमारा जो Tahir और he है वो subject हो गया. Okay? हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट. पर्सनल प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज होता है? द पर्सनल प्रोनाउन लाइक मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम कैन बी यूज एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. ये वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, है ना. किसकी तरह? ऑब्जेक्ट की जैसे यूज हो सकते हैं. सच एन ऑब्जेक्ट इज अ, वो ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं? पर्सन भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकते हैं. दैट रिसीव द एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करते हैं, मतलब जो एक्शन करते हैं उस एक्शन को प्राप्त करते हैं, कोई भी काम को वो प्राप्त करते हैं.
तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखना वो सेंटेंस के लास्ट में होगा। कहाँ होगा? सेंटेंस के लास्ट में। सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस के बिगनिंग में होगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस के सबसे लास्ट में होगा। ओके, तहीर हैज़ बॉट एन एप्पल। यहाँ पे एन एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा। ही इज़ इंजॉइंग इट। ही इज़ इंजॉइंग इट। यहाँ पे एन एप्पल क्या है? एन एप्पल मतलब एप्पल के बारे में बता रहा है कि ही इज इंजॉइंग इट। वह उसे इंजॉय किया, मतलब उसने एप्पल को ख़रीदा और एप्पल को खाने में उसने इंजॉय किया। तो इट किसे इंजॉय किया? इट, यहाँ पे इट का यूज़ है। यहाँ पे एप्पल का नाम नहीं लिखा, यहाँ पे इट का यूज़ है। एप्पल को दर्शाने के लिए यहाँ पे इट लिखा हुआ है। तो इट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है, नेम है, नाउन है ये। तो इसके जगह पे नीचे क्या लिखा हुआ है? एप्पल को दर्शाने के लिए, यहाँ पे एप्पल को शो करने के लिए इट वर्ड लिखा है। तो इट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ आई एम डूइंग माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क करता हूँ। फादर इज़ हेल्पिंग मी, और पापा मेरी मदद करते हैं। तो पापा किसकी हेल्प करते हैं? उसकी हेल्प करते हैं। पापा इज़ हेल्पिंग मी। ये जो मी है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस के पहले आता है और ऑब्जेक्ट सेंटेंस के सबसे लास्ट में। ओके, टर्न द पेज। हियर इज अ टेबल टू रिमेंबर विच प्रोनाउन आर यूज एज सब्जेक्ट विच वन एज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे टेबल बना हुआ है जो तुम्हें याद रखना होगा कि कौन सा प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज करना है और किसे ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। यू नो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आप जानते हो? डू यू नो? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, हु इज स्पीकर, जो बोल रहा है ना। स्पीकर कौन है? जैसे हम बोल रहे हैं तो हम क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन। एंड सेकेंड पर्सन, हु इज सेकेंड पर्सन? सेकेंड पर्सन कौन होता है? जो सुन रहा है मेरी बात को। कौन सुन रहा है? तुम सब सुन रहे हो, तो वो सेकेंड पर्सन है, ठीक है। एंड थर्ड पर्सन इज कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो होता है थर्ड पर्सन। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसका या वह क्या हो गया? थर्ड पर्सन। मतलब फर्स्ट पर्सन में हम बोलेंगे, मैं, सेकंड पर्सन में तुम सुन रहे हो तो तुम हो गए, यू क्या हो गया? यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका, उसकी, उसके, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा थर्ड पर्सन हो गया। यहाँ पे देखो फर्स्ट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में आई होता है, आई में, आई का ऑब्जेक्ट किस में हो जाएगा? मी हो जाएगा, मैं से मुझे बन जाएगा। और यू का यू ही होता है हमेशा। ये जो सेकंड पर्सन यू होता है उसका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट यू ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। सिंगुलर के साथ भी यू जो यू होता है और प्लूरल के साथ भी यू ही यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन ही सी इट। ही किस में चेंज हो जाता है? ऑब्जेक्ट में, हिम में, सी हर में, इट का इट। ओके, एंड ये तो हमने सिंगुलर पार्ट पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे प्लूरल मतलब बहुवचन के लिए। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? वी। फर्स्ट पर्सन हम, तो हम से क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट, हमें, अस। सेकंड पर्सन यू का हमने यू बताया था कि यू में कोई चेंजेस नहीं होते, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में यू होते हैं क्योंकि सिंगुलर भी यू होता है प्लूरल भी यू ही होता है, ठीक है। तो यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के साथ भी यू ही लगेगा और ऑब्जेक्ट के साथ भी यू ही लगेगा। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है? दे, वे और उनके। दे किस में चेंज हो गया ऑब्जेक्ट बनाते वक्त? ऑब्जेक्ट में ये देम बन गया। क्या बन गया? देम। द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन। पर्सन जो बोल रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं तो ये क्या हो गए? हम क्या होंगे? फर्स्ट पर्सन। द पर्सन हु आर स्पीकिंग इज स्पीकिंग टू, वो किससे बोल रहा है? हम तुमसे बोल रहे हैं, तुम सबसे बोल रहे हैं, तो अब तुम लोग क्या हो गए? सेकेंड पर्सन हो गए। एंड द थर्ड पर्सन, द पर्सन एनिमल थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट। जिस व्यक्ति, एनिमल या वस्तु के बारे में हम बात करेंगे वो हमारा हो जाएगा थर्ड पर्सन, ठीक। इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। लेट्स रीड बी पार्ट। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब क्या क्या होता है? कर्म करता सर्वनाम। कर्म करता, यहाँ पे कर्ता जो होता है, काम को जो करता है वो कर्म क्या कर रहा है भी इसमें पता चलता है कर्म करता प्रोनाउन में, ठीक है। व्हेन द एक्शन टू द डोर रिफ्लेक्ट्स अपॉन हिमसेल्फ और हर सेल्फ द प्रोनाउन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब कोई काम कर्ता को दिखाता है ना, जब कोई काम दिखाए और वो कर्ता को भी दिखाए कि वो काम कौन कर रहा है, जैसे कि हिमसेल्फ, हर सेल्फ इज प्रोनाउन,
द प्रोनाउन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, कि मतलब उसमें एक्शन भी दिखाए और एक्शन ये दिखाए कि वो उसमें कर्ता कौन है, उस एक्शन को, उस काम को कौन कर रहा है। तो ये हमारे क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे, जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, द वर्ड्स माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट रेफर टू अ पर्सन, एनिमल और थिंग विच इज द सब्जेक्ट टू द वर्ब। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको रेफर करता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर एनिमल्स को, जो वर्ब के कैसा हो, वर्ब का सब्जेक्ट हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, माई सन मेड दिस कंप्यूटर हिमसेल्फ, मेरे बेटे ने ये कंप्यूटर उनके लिए बनाया, उसके लिए, उसके लिए। तो ये जो हिमसेल्फ है, इसमें काम हो रहा है, कंप्यूटर बन रहा है, उसके बेटे ने, वो बेटे, उसका बेटा बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, हिमसेल्फ, है ना। तो हिमसेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। सुशीला फेल, सुशीला गिर गई एंड हर्ट हरसेल्फ, सुशीला जो है वो गिर गई, है ना। तो इसमें काम क्या हुआ, गिरने का, कौन गिर गया, सुशीला, उसने किसको चोट पहुंचाई, अपने आप को, हर सेल्फ। यहाँ पे हर सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। वी बेक द केक बाय आर सेल्फ, हमने अपने लिए क्या बनाया, केक बनाया। तो वी, इसमें कर्ता कौन है, वी, कौन सा काम हो रहा है इसमें, केक बनाने का, किसके लिए बनाया, अपने लोगों ने बनाया, अपने लिए, खुद के लिए। तो आर सेल्फ ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, टर्न द पेज, हियर इज अ टेबल टू हेल्प यू रिमेंबर विच रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज विथ पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जो आपको ये याद दिलाएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको ये बताता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन के साथ कैसे यूज होगा, मतलब विच रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज विथ विच पर्सनल प्रोनाउन, कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस पर्सनल प्रोनाउन के साथ यूज होगा। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, आई और मी होते हैं, ठीक है। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, माई सेल्फ, आई और मी सिंगुलर प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा माई सेल्फ। सेकेंड पर्सन है यू, तुम, तो यू से क्या बनेगा, योर सेल्फ। थर्ड पर्सन ही, हिम, सी, हर, इट, तो ही से बनेगा, ही और हिम से क्या बनेगा, हिम सेल्फ बनेगा। सी और हर से हर सेल्फ, इट से इट सेल्फ। ओके, एंड अब हम प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होगा, वी, अस, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, उसमें कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं हम, आर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ। थर्ड पर्सन प्लूरल दे देम का, देम सेल्फ। ओके, इज इट क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं अधिकार सर्वनाम। ये अधिकार सर्वनाम क्या हो रहा है, देखो नाम से पता चल रहा है कि किसी का इसमें अधिकार बताता है कि कोई भी वस्तु या चीज़ किसकी है, किसकी अधिकार में वो चीज़ है। तो ये तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो सर्वनाम होता है जो किसी चीज़ के बारे में बताए कि वो चीज़ किसकी है, किससे बिलोंग करती है। ओके, लेट्स सी, द पोजेसिव प्रोनाउन आर यूज टू शो ओनरशिप, ओके, और बिलोंगिंग्स, द वर्ड्स और बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंगनेस, द वर्ड माई, माइन, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, आर, आर्स, देयर एंड देयर्स आर पोजेसिव प्रोनाउन। अधिकार बताता है, और पोजेसिव प्रोनाउन वह वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे ये दिखाना होता है कि कोई भी वस्तु किसकी है, मतलब उसका ऑनरशिप कौन है, उसका स्वामित्व, उसका मालिक कौन है, और वो चीज़ किसकी है, है ना। तो द वर्ड, ये जो वर्ड्स है, माई, माइन, योर, योरसेल्फ, जो सारे दिए हुए वर्ड्स, ये सारे क्या है, हमारे पोजेसिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, दिस कार इज माइन, ये लड़का बोल रहा है कि ये कार मेरी है, किसकी है ये कार, ये कार किससे बिलोंग कर रही है, लड़के से, ये कार लड़के की है, तो माइन क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन। सेकंड वन इज जिमी, वेयर इज योर बुक, जिमी तुम्हारी बुक कहाँ है, क्या पूछा है, तुम्हारी बुक, तो योर यहाँ पर आया, योर क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। दिस हाउस इज हिज, यह उसका घर है, है ना, यह क्या बोल रहा है, यह उसका घर है, तो उसका घर है, घर किसका है, उसका है, तो हिज क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, इज इट क्लियर। नाउ टर्न द पेज, हियर इज अ टेबल टू रिमाइंड यू विच पोजेसिव प्रोनाउन इज टू बी यूज विथ विच पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे टेबल बना हुआ है जो तुम्हें रिमाइंड करेगा कि कौन से प्रोनाउन, कौन से पोजेसिव प्रोनाउन के साथ कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे। ओके, कौन सा यूज होता है,
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबसे पहले सिंगुलर पर्सन प्रोनाउन का पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सन में आएगा आई मी, तो आई मी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आई से बनेगा माई और मी से बनेगा माइन। सेकंड पर्सन यू, यू से पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा योर और योर्स, यू भी बन सकता, योर बन सकता है या फिर योर्स। थर्ड पर्सन ही हिम, ही हिम से बनेगा हिज और सी और हर से बनेगा हर या हर सेल्फ। ओके, अब प्लूरल पर्सन प्रोनाउन का पढ़ेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, वी या अस, तो वी अस पॉजेसिव प्रोनाउन में किस में चेंज हो जाएगा, आर में या आर्स में। ओके, आर एन आर्स। सेकंड पर्सन यू, यू किस में पॉजेसिव में चेंज हो जाएगा, योर्स या योर। थर्ड पर्सन दे देम, तो पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, दे चेंज हो जाएगा देयर में और देम किस में चेंज हो जाएगा, देयर्स में। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव प्रोनाउन, आई थिंक इट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे प्रोनाउन बचे हुए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके स्टूडेंट, हाउ वाज द क्लास? ओके स्टूडेंट, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, रिवाइज योर चैप्टर। ओके, आपको अपने चैप्टर रिवाइज करने हैं, सारे जो प्रोनाउन मैंने बताए हैं, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन, इन सबको आपसे अपनी बुक से फिर से एक बार रीड करना है, इसे समझना है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट है अगर इसमें, तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके ओके स्टूडेंट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।